मानता है। हाल ही में वहाँ 5 लोगों की हत्या हुई है। लोगों को झूठे वादे देकर वहाँ ले जाया जाता है और हमें तो उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती, इसीलिए उस जगह पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन उस मूर्ख फ्रैंक ने कुछ भी लिखा हुआ है जो कि सब कुछ झूठ है। कृपया हमें इस मामले में दोबारा परेशान न करें।
संतान हो, पेरूमल की संतान हो ना। सुनो, पहले के जैसे गो मांस नहीं खाना और झोपड़े में रहने वालों के साथ सोना नहीं, समझे ना। हम सब अलग हैं, हमें विधि विधान का पालन करना है। हमारे मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो नारायण के चरणों में पहुंचना चाहिए। बात समझ में आई ना ए अशोका? ऐसे ही देखकर जाने से कुछ नहीं होगा। आजा जनो बहन, हमारे साथ आ जा। कैसे देख रहे? चल गांव भी चलना है। तू कब ब्राह्मण बन रहा है? गांव वालों को जनेऊ पहनाने के पीछे पड़ा है ये गंगू। बोला था ना इसकी संगत पे मत पड़ना, सुनता का। उसी का गलत फायदा उठाकर इन्होंने हमसे हमारी जमीनें लूटी है। जो मेहनत करता है जमीन उसकी होती है, जो मेहनत ना करे जमीन उसकी कैसे हो गई? चल खाना खा ले। नहीं चाहिए, तुम लोग खा लो। कहानी सुनाओ? कहानी सुनाएगी तुमको, नींद आ जाएगी। माँ तुम्हें नहीं सुनानी है, बाबा तुम सुनाओ। कौन सी कहानी सुनोगे? बाबा आरती की कहानी सुनाओ ना। अब जब पहले नदी में सोना निकालने गए थे और फंस गए थे, वो कहानी सुनाओ ना बाबा। सुनाओ ना बाबा। अरे तुमने वो कहानी सुन के डर जाओगे। बोला ना सुधा। अरे चिल्ला मत, कैसे बच्चे पैदा किए हैं? हाँ ठीक है सुनाओ। कहानी सुनाऊंगा मगर सबको हूं करना होगा। कैसे सिद्धी बच्चे। एक समय की बात है, वहां देख वो दिख रहा है ना, एक के ऊपर एक पहाड़ों की कतार, फिर जंगल था, उसके बाद नदी, और नदी को पार करने के बाद एक हाथी का पहाड़ आता था। हाथी? हाथी नहीं बेटा, हाथी के आकार का पहाड़। हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज, बाघों के दहाड़ने की आवाज, और जंगली सुअर भी, कई सारे जानवर थे अंदर। वहां पेन्ना नदी नाम की बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे हमारे देश के महाराज दुश्मन देश के राजा से लड़कर, उनसे लड़ाई जीतकर, जब दोबारा अपने राज्य लौटे, कौन है ये लोग, तब उसी पेन्ना नदी में मेरा दादा का भी दादा, मेरा परदादा काले, वो सोना निकाल रहा था। सोने की खोज में आए हैं। ओ
मुझे चाहिए, अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। सुनो महाराज, जिसे जरूरत है सोना सिर्फ उसी को मिलेगा, दूसरों के लिए ढूंढोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। नदी में उतर जाओ। .net द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुझे बस सोना चाहिए।
बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जमीन, मुझे जमीन चाहिए महाराज। जीवदान, देवदान, न जाने कैसे कैसे कारण बताकर हमारा सब कुछ छीन लिया। हमसे छीन कर ऊंचे वर्ण के लोगों को जो जमीन दी है ना, वो हमें वापस चाहिए। नीची जात वाले का अहंकार तो देखो, तुझे इतिहास को काट कर खुशहाली भरा जीवन मिला। हे स्वामी, मिलेगा, जमीन का हिस्सा अवश्य मिलेगा, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। बदले में तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। Hold on.
सोना। ये मिट्टी है, मिट्टी है, वो की बात है। लेकिन उस दिन सोने का एक टुकड़ा भी मैं नहीं ला पाया। ए, बहुत हो गई ये तेरी कहानी, अब सो जा। Go!
उत्तर अरगढ़ जिला गुड़ियातम तालुका वेपुर गांव की पिछड़ी जाति की बस्ती में रहने वाला किसान तंगलान मुनि का गुदका तालाब के किनारे वाले दो गुंडा खेती की जमीन से रायतवारी कर के अनुसार 10 पकौड़ा या 80 बोरी चावल और उसके अलावा ब्रिटिश सरकार को 20 पकौड़ा और 160 बोरी चावल देने के लिए दंगलान के परिवार को सरकार की ओर से आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद ऊपर लाना
मेरे बदन में जितनी गर्मी है ना वो सब देके जाऊंगा तुझे, उसे संभाल के रखना। गर्मी ठंडी पड़ने से पहले दौड़ कर आऊंगा तेरे पास। ए, आ जाएगा तू अभी तो बाप। यहाँ देखो पानी में चांद दिख रहा है, देखो नागा मैं देखो जा। मैंने कहा ना तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं जा, जा। अरे जा। ए मामा तुम भी जा रहे हो क्या?
ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। मामा, नदी के उस पार बहुत सुना है क्या? कहानी सुना देखे ना हाथी के पहाड़ की, क्या वो यही पहाड़ है? Your gun.
साथ सोना पहनकर आ गई ना तो क्या होगा पता है, ऊंची जाए की औरतें भी जलेंगी मुझसे। सोचकर कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ कोई सोना होना नहीं है, मुझे यहाँ से ले चलो अरसानी। ¡Chata!
महाराज सोना सोना निकालने के लिए सोना गोल्ड किल महाराज गोल्ड किल का पहाड़ देख कर आते हैं। शायद हम जिसे ढूंढ रहे वो वहीं पर हो। नहीं, नहीं, नहीं। मैं इसे मान ही नहीं सकता। ऑथर, मुझे डर है कि ये मुहिम कहीं नाकामयाब ना हो जाए। मेरी तिजोरी खाली हो गई है। इतनी मेहनत के बाद मैं अब खाली हाथ नहीं जा सकता। चाहे हमारा नसीब हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, हम फिर भी लड़ेंगे। हम जीतेंगे। जीसस हमारे साथ है, लेकिन तुम इस पर विश्वास मत करो। जीसस, जीसस, बहुत हो गया। मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें किसी अंग्रेज के जैसा दिखाई दे रहा हूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इन्हें देखो, ये के इंडियंस, अब ये लोग भी मुझे रहम की नजर से देखते हैं। शायद वो सही है, हमें उसकी बात सुननी होगी। वो मेरी आखिरी उम्मीद है। क्लाइमेंट, क्या तुम नरक जाने के बारे में सोच रहे हो? वो शैतान है, देखो उसे। अगर शैतान भी कोशिश करता है मुझे रास्ता दिखाने की, मैं फिर भी उसके साथ जाऊंगा। ये सब गलत है। जीसस, everyone up, move out. बाबा, उसकी मुंडी हमें यहीं मिली है तो उसका शरीर भी यहीं कहीं होगा ना। अगर हम उसे ढूंढ ले तो सोने का भी पता चल जाएगा ना। अगर हमें उसका बाकी का शरीर भी मिल गया ना, मतलब ये पूरी जमीन शापित है। पता है जगह को क्या कहते हैं? बली लेने वाला गांव। हमें उसकी मुंडी तोड़कर दफनानी होगी, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। आगे चल चलो। चलो चलो, रुकना मत, चलो। आज मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनो तो मेरी बात। ए खंगा, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बड़े बड़े पत्थरों का पहाड़ देख रहा है। ये सारे पेड़ बीच से फटकर चल जाएंगे। पूरी आत्मा जमीन से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तूफान बनकर आएंगे। नहीं 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 ध्यान से सुनो इस आवाज को। ऐसा लगेगा जैसे हजारों कीड़ों की आवाज कान में गूंज रही है। मुझे ही कहीं होना चाहिए उस मुनि का शरीर। चलो, मेरी बात मानो। ये जो कुछ भी कह रहा है वो सही है। वो शैतान गलत बोल रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ शैतान, रुक जाओ, रुक जाओ शैतान, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। रुक जाओ ऑथर, अपनी बंदूक नीचे करो।
वरना मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। क्लाइमेज, मेरी बात सुनो। इस बार मैं क्या कर रहे हैं?
ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। हाथ मुनि बाबा
तुम्हारी बलि ली और इसके बदले हमें ये दिया है उसने, ये तुम हो विलियम, ये तुम हो। थैंक यू। ए, तू अभी भी यहीं पर है, चलो निकलते हैं यहां से। अरे जो हुआ सो हुआ, यहाँ का सोना निकाल के दे देंगे और अपना हिस्सा लेकर निकल जाएंगे। ए, कोई इसकी बातों पर ध्यान मत दे रे, चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो साहब यहाँ से निकलते, साहब चलो निकलते हैं यहाँ से। तुम बहुत ही काबिल इंसान हो, मैं तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अब हम दुनिया को दिखा सकते हैं हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। पर सच कह रहा हूं, हमने इतिहास रच दिया है, इतिहास। तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, तुम सबकी जिंदगी, तुम्हारी मां की जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बच्चों की, सबकी जिंदगी बदलने वाली है। पूरी दुनिया तुम सबको देखेगी पूरे सम्मान के साथ। तुम ही बहनों, बहनों और सब थंगला के साथ जाकर थोड़े पैसे ले आता हूं और कुछ मजदूर भी, और अब यहां की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी और तुम सब अपना काम जारी रखो। Yeah.
हाथ जोड़। बहुत भोला है, एकदम डरपोक का है। वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, यही चिंता लगी रहती है मुझे। अरे वो बिल्कुल ठीक है, पेट भर खाता है, बैल जैसी मेहनत करता है, बार बार तेरे बारे में ही बात करता है। अर्चनी को सोना बहुत पसंद है, वो सोने को बहुत चाहती है। उसके लिए मुझे सोने का गहना बनाने का है मामा जी। पूरा दिन यही रटता रहता है। वहाँ सोना है क्या? क्या कहा? वहाँ सोना है क्या? अरसानी, पता इसे सोने की खान का पता चल गया है, बस खोद कर निकालना बाकी है। ये यहाँ से लोगों को ले जाने के लिए आया है, वो भी साहब जैसे कपड़े पहनकर। तुम लोग ये मत सोचो कि अपने प्यार और अपने परिवार के लिए आया है ये। मांस पीसने का पत्थर में अपने तंगा को डाल के पीस रही है, देखो। हाँ सही कहा तंगा। मामा जी, कल बाबा मेरे सपने में आए थे, बुरा सपना था, मैं बहुत डर गई। बाबा अब तक क्यों नहीं आए? अरे बेटा, तेरा बाप वहाँ सोने की रक्षा कर रहा है, तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? हम सब जाके मिलेंगे ना उससे। बन्ना, बाबा ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है या? तेरा बाप को मुनि, वो तो मुंह खोलने को ही दो दिन लेता है। खोलने तक जमाना गुजर जाएगा, उससे पहले मैं भाग के आ गया। सुन रही है ना इसकी कहानियाँ? अरे अभी कहानी की शुरुआत कहाँ की है, अभी तो बहुत सारी कहानियाँ है। साहब होने तो कोई भी होने दो, जैसे ही काम खत्म अपना दाम वसूल करके अपने लोगों को दे देता हूँ। नहीं तो क्या, तंगला को क्या समझते हो? अरे हाँ हाँ, ये वही थंगा है जिसने जमींदार की चोटी पकड़ कर उसे बचाया था। घोड़े पे आके तूने जैसे मुँह पे पैसे फेंके, बाप रे, मैंने ऐसे अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जो प्रेत आत्मा से झगड़ के सोना निकाले ऐसे लोग चाहिए, और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है इस धरती पे। तो सबको ले जाकर वहाँ मरवाने आए। तो तुम अब कौन सा अच्छा जी रहे हो? जैसे बैल खेतों में मेहनत करते हैं, वैसे हम भी मेहनत करते रहे। कच्चा चावल, उकड़ा चावल, लंबा चावल, मोटा चावल, टुकड़ा चावल, कितने चावल की फसल उगाई है, उसमें से मुट्ठी भर चावल भी अपने घर ले जा सकते हो क्या? ये जमीन अपनी ही है ना, लेकिन किसी एक के पास भी मुट्ठी भर जमीन है क्या? अगर होगी भी तो क्यों छीन लेते हैं? मेहनत हम करेंगे, जमीन भी हमारी है, लेकिन मुनाफा हमको नहीं देंगे। कल जो हमारा बच्चा होगा वो भी गुलाम बनकर ही रहेगा, तो फिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है? वहां जाने से सब बदल जाएगा। बदलेगा, देखना, सब बदलेगा। आज के दिन मेरी जमीन मेरे हाथ में है, मैंने करके दिखाया ना। ए, तंगा, भूल गया क्या? तू नहीं बोला था ना उधर भूत पिशाच भटकते हैं, और अब साहब ने बोला है तो इधर आके सबको बहका रहा है। ए भाईड़े, रात में खेत की रक्षा के लिए नहीं जाती है क्या? तब तुझे भूत पिशाच से डर नहीं लगता क्या? प्रेत आत्मा से डर के घर के अंदर छुप के बैठती है क्या? मौत से डरेंगे तो जी नहीं पाएंगे।
हाँ सुनो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहां जाके राजा की तरह जिएंगे, पर हमसे जानवरों जैसा बर्ताव करने वाले के नीचे दबे रहने से अच्छा है कि हम उस हकीकत को बदलने के लिए अपनी जान दे दें। हमारे लिए सांप क्या क्या करने वाले जानते हो क्या? घर बनाएंगे, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय बनाएंगे, सबके हाथ में पैसा होगा और देखो पहनने के लिए ऐसे कपड़े होंगे, ये देख रहे हो ना? अरे यार तू जो ये बात बोल रहा है ना, ये सुनने को अच्छा लगता है। अगर हम वहाँ जाएंगे नहीं तो क्या मुखिया हमें वहाँ जाने देगा? क्या कहा? अंग्रेज ने कागज पे लिखकर मोहर लगा कर दी है, फिर भी किसी ने रोकने की हिम्मत दी ना? देख लेंगे, ये देखो अपनी लंगोट और धोती पहनकर जिंदगी भर यही सड़ने की ठान ली है, या फिर अंग्रेज जैसा पढ़ लिख कर उसके जैसे कपड़े पहन के अपना अधिकार मांगने वाले हो? अब सुनो, वो सोना हमारी जिंदगी बदलेगा, यही बात। अरे रात भर पिसती रहेगी क्या? जा, जो खाने के लिए लाया वो सब मैं बांट दे, खिला दे। क्यों रे, मेरे पास हाथ नहीं है, तू लाकर देना सबको। ये भी सही है। बर्बादी है ये चाचा, इतने बड़ी नदी में थोड़ा सा भी पानी नहीं है। नहीं कहा, बता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। क्या होगा न जाने क्या होगा आगे। उनकी आवाज सुनकर अशोका अजीब हरकतें करने लगा।
तब से वो कुछ नहीं बोल रहा है, ऊपर नीचे और आजू बाजू देखता रहता है। मगर उसने कहा, उसको वही फेंक दिया, उसने सैनिकों को मारा इसलिए उसे बार बार मना करके वही फेंक दिया। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। तुम सब के सब मेरे गुलाम हो, नौकर हो, सिर्फ यहाँ अपना काम करना है। उल्टा सीधा बोल रहा है ये, साहब ने ऐसा बोला ही नहीं है। हम एक नया इतिहास बनाने वाले हैं। यहाँ जो सोना मिलेगा ना, उस पे हम सबका अधिकार होगा। सही कहा, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। दंगला, मेरी वजह से तुम्हें ये सब मिल रहा, ऐसा कह रहा है साहब। अरे इन्होंने तो उसमें जिसके हाथ उठाया उसे माफी मांगने को कहा था। चलो अपना अपना सामान उठा लो, जहाँ रहना है ना वहीं पर चलते हैं। थोड़ा हमें भी मिलेगा। हाँ, हाँ, वो सोना लेकर
वो सोना लेकर पेरुमल मंदिर का रुका काम शुरू करवाऊंगा। मंदिर पूरा बन जाने के बाद गांव को रामानुजम के मार्ग पे ले जाऊंगा। उसके बाद कौन हमें निचली जात का कहता है। हाँ ए, क्या कब से बार बार उस कपड़े को देख रहा है? उन्होंने फाड़ दिया ना उस कपड़े को, अब छोड़ना। ये कपड़े पहनकर सांप की तरह खड़ा था ना, वो सब चल रहा है ये तुझसे। वो सोच रहे होंगे ये कपड़े पहनकर हमारी बराबरी कर रहा है, वही सह नहीं पाए वो। अब छोड़, एक दे उसे और तू आ जा इधर मेरे पास। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये कुछ ठीक नहीं है। तू कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो है। क्या है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। सब जानते हो कि इस जगह पर सभी की मृत्यु निश्चित है। अब तू ये पता चले क्यों नहीं जाते? चले जाओ यहाँ से, गलत कर रहे हो तुम। सोना, एक पीला भूत है, वो तुम्हें मार डालेगा, सभी को मार डालेगा। तुम जाकर बता दो सभी को, उन्हें जल्दी से जल्दी निकलना है। ए, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ भी मांगता है।
मैं आखिर क्या कर रहा था। अरे तू रो मत, जैसे मेरी हालत थी ना वैसी उसकी हालत हो गई है। वो आरती ना फुफड़ी के अंदर जाके भगवान आरती 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 वो सच नहीं है, वो मुझे कहानी है। ये कहानी नहीं सच है। बचपन में सुनी कहानियां तेरे दिमाग में घूम रही है इसलिए तू उसे ढूंढ रहा है। ये वास्ता है। कहानी से बाहर निकल। कहानी नहीं है भाई सर, ये वास्तव है। कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, मेरी खोपड़ी में बैठ गई है। अपनी आंखों से देखा उसे, मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे इन्हीं हाथों से गोली चलाई उसमें। कोई कहानी नहीं है, सच है, सब कुछ सच है। अपनी फालतू बातें बंद करो और आकर सो जा। सब कुछ सच है। मुझ पर विश्वास है, मैंने उस आरती को अपनी आंखों से देखा था। वो नागो की मुखिया बनकर आई थी, मैंने उस पर गोली चलाई, फिर वो उसे उठाकर भाग। वो लोग कहीं भागे निश्चित वापस आए। तू कुछ भी मत भाग, जा। किससे बात कर रहा है? ये जो खड़ी है ना, इससे। हमें सिर्फ कुछ टका लोखंड मिला है और कुछ टका चांदी मिली है, पर यहाँ पर कोई सोना नहीं है। हाँ सच है, यहाँ पर सोना नहीं है। कौन से पत्थर में सोना होगा? काले में नहीं है, पीले में नहीं है, लाल में नहीं है। ऐसे पत्थर तो अपने गांव में नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? अरे क्या हुआ तुझे? से क्या पता है वो हम लोगों को कितना परेशान करती है। एक बार मुझे कभी मिल गई ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ माँ, उस भूतनी को क्यों? तुझे लगता है मैं उसका कुछ नहीं कर सकती? अक्का वो देखो आती इधर है, वो देखो वो वहां पर किधर है, किधर है? अरे कहाँ है? देखिए क्या क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो यहाँ?
तुझे नहीं पता क्या? जैसे हमारे बुजुर्ग सोना निकाला करते थे वैसे ही निकालना पड़ेगा। इस पुतले के नीचे हमें सोना कैसे मिला? उस नागवंशीय लड़की के रक्त के बहने के कारण। ये डंका कई पीढ़ियों से चलता ही आ रहा है। वो जंगली लड़की ही इस काल में आरती है। जैसे उसका रक्त बहेगा हमें चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देने लगेगा। चलो उठ, अपना आगे का काम शुरू कर। चाचा ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ करना होता तो जिस दिन आया था उसी दिन करता। समझे? अगर मेहनत से नहीं तो और कहां से कमाएंगे? क्या लगता है मैं उसके इशारों पर नाचूंगा?
You will. इस पत्थर को तुम्हें तोड़ना ही होगा. That is an order. ये मेरा आदेश है. Hey, तुम लोगों के दुख के लिए हम क्यों शौक बनाए? वहां न कोई भूत है न कोई पिशाच है. चलो एक एक की हड्डियां तोड़ दो. अगर उसमें से मना करे तो मारो सालों को. वो भी चमकने वाला पत्थर. आज टूट गए तो हमेशा ऐसे ही बैठना होगा. चलो अरे आ जा. हम बहुत नजदीक हैं. चलो उठाओ उठाओ. आराम से सो रहे हो. आराम से. You are selfish, my friend. You are selfish. You won't even drink with me. Are you going to drink with me? Drink. Ugh.
सर सर मुझे पता है सब का कारण तू ही है। ये सब तेरी वजह से हुआ। आरन, तुम्हारा ऐसा बर्ताव तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर और बढ़ा रहा है। सच कहूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, या जो सोना है उसकी जिम्मेदारी तुम पर भी है। ऐसे बार बार मेरे सामने आके मेरी जान खाना बंद कर दे। मैं जाके अपने लोगों को लेके आता हूँ, मैं ये सारे पत्थर तोड़कर सारा सोना लेके जाऊंगा। झोपड़े में अपने आप आग लग रही है और यहाँ काला पीने को कुछ नहीं है। क्या मरने से अच्छा है यहाँ से चला जाए, इससे अच्छा है कि बेरोजगार हो जाए। रुको रुको, उस पत्थर के अंदर सोना है, मेरी बात मानो। हम उस पत्थर को जला देंगे, उसके दो टुकड़े करेंगे और उसके अंदर का सोना निकाल लेंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा। कोरा साहब क्या बोला था कि जो सोना मिलेगा उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। मैं सबको हिस्सा दिलवाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। गंगू, नागा लोगों के आने से पहले पत्थर तोड़ देते। सब लोग चले जाओ यहाँ से, कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा। हमारे अभिमान, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है ये। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है।
नहीं डरता वही यहाँ जी सकता। यही सोना तुम्हारा वध करेगा। सोना मिल गया है, हाँ सोना मिल गया, अरसारी सोना मिल गया, हमें सोना मिल गया। हाँ, किसे चाहिए तुम्हारा इनाम? उपहार, बड़ा नाम का लालच मत दो। हाँ, ये
इस कुत्तों ने जहां पर छुपा के रखा है वहां से मुझे ला कर दो। जाओ ये फिल्म cinevoo.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोने जैसा चमकने वाला पत्थर है, ये पत्थर है। कहरी ये पत्थर है। लड़ना बंद करो, बंद करो। आरती ने हम सबको धोखा दिया है, सोने के बदले चमकने वाले पत्थर दिए। उसने तो हमें, उस मायावी औरत ने हमें, ये देखो, ये सोना, क्या ये सोना है? क्यों झगड़ा कर रहा हो? This is fake. उसे कैसे निकलवाना है असली सोना? सभी दुखों की जड़ मोह है। लालची लोगों से इस जमीन के सोने की रक्षा करने की जिम्मेदारी आरण और आरती इन दोनों की है। घुड़सवारों का एक बड़ा सा दल हमारा सोना चुराने के लिए इस तरफ आ रहा है।
मैं जान गया हूं कि अब मैं कौन हूं। मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना मुझे। हम युद्ध के लिए गए और हार गए, दूसरों की तरह अपना रहन सहन बदल दिया, ये भूल गए कि सदियों पहले हम भी नागा जाति के थे, मगर वर्ण जात व्यवस्था के कारण हम नीचे गिरा दिए गए। हमने अपना देश खोया, हमारी जमीन खोई, यहाँ तक कि गांव से भी बाहर कर दिया हमें। हमारी जिंदगी बदलने कभी हाथी मुनि बन के, कभी काड़े आम बन के, कभी नाग मुनि बन के इन्हें सोना निकाल के दिया, पर उन्होंने हमें धोखा दिया। लेकिन आज धनगरपन के सामने खड़ा हूं तुम्हारे। जंगल को बचाना हमारा फर्ज है और इसी तरह हमारे लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस जरूरतवादी दुनिया में अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे पास यही रास्ता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे जाने दे, यही एक रास्ता है। क्या सोना उसी बात खत्म करेगा? Thank you.